मगर कोलकाता में उनके प्रति दीवानगी ऐसी है कि यहाँ के हर घर में मिथुन चक्रवर्ती बनने का सपना लिए कम से कम एक नौजवान जरूर सोता है। कोलकाता के मिथुन भातों से डांस इंडिया डांस का मंच भला कैसे अछूता रहता। नेक्स्ट। आपका नाम क्या है? वीरेश चक्रवर्ती। अच्छा, आप किसी और चक्रवर्ती को जानते हो? हाँ, मेरा मामा श्री है। हाँ, कलकत्ता का मशहूर वो मिथुंदा। हाँ, आपके क्या है? मेरा मामा जैसा लगता है, क्योंकि मामा जैसा लगता है। मामा है अपना तो नहीं है। अच्छा, इसीलिए जैसा है। आप उनको रिस्पेक्ट करते हो? बहुत बहुत। हाँ, तो फिर ये मेरे जान से भी प्यारा है, और मैं उनका कॉपी करता हूँ, मतलब डांस का नहीं और जो है सब कुछ। अच्छा, आप उनके उनका कॉपी करते हो? चलो एक कॉपी करके दिखाओ। चलो ओबे सलाम मारबो एकाने लास्पोर पे शोशाने इन द भोगपमा मने मायर भोगे। अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनकी नकल करते हैं, लेकिन आप उनकी डांस की नकल नहीं कर सकते हैं, और इस वजह से आपको तकदीर की टोपी नहीं मिल सकती। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। आई एम अ डिस्को डांसर। I am a disco dancer. I am a disco dancer. Zindagi mera gaana. Main kisi ka deewana. To jhumo, to nacho. DID ki taraf se no. ये है इंडिया के पहले डांसिंग स्टार का जादू, जिसने हमारे अगले कंटेस्टेंट गुवाहाटी के विजय सिंह को डिस्को डांसर बना दिया। मजाक है। उसका जवाब ऐसे ही देना चाहिए था। मिथुंदा बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो अच्छी तरह करो, वरना मत आके देखो। मैं कलकत्ता में तो चलो समझ में आता है कि मिथुंदा के बहुत फैंस हैं और सब लोग कॉपी करना चाहते हैं उनको। बट इतने सारे बहुत ज्यादा हो गया। ओवरडोज। चलो ठीक है, हमारे अगले कंटेस्टेंट को भेज दो प्लीज। स्टाइल देखो। आपने अभी बोला था ना, रेडी? ये भी वही डांस करेगा। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये आपने टोपी कहां से ली? आप जानते हैं ये तकदीर की टोपी है।
ये तकदीर वालों को मिलती है और उनको मिलती है जो बहुत, बहुत ही टैलेंटेड और बेहतरीन डांसर हो और डांसिंग स्टार की कैपेबिलिटी रखता हो। सर एक्सक्यूज मी, सॉरी सर, हम लोग तो चौक गए सर। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, सॉरी आई एम सो सो सॉरी, सॉरी सर, सॉरी। हमने इतने सारे कॉपी देखे थे इसलिए। सबसे पहले मैं आप तीनों को इतने बड़े डांसिंग शो में हिस्सा लेने के लिए मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी को पता है कि डांस मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। डांस ही वो हथियार है जिसने मुझे कोलकाता की एक छोटी गली से यहाँ तक ले आया, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं हिंदुस्तान के टैलेंट्स को एक ऐसा मंच दे रहा हूँ जो उसे डांसर से डांसिंग स्टार बनाया, और ये जिम्मेदारी आप तीनों की है कि आप हिंदुस्तान के कोने कोने से चुनकर ऐसे टैलेंट्स लाएंगे कि दुनिया देखती रह जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये काम दिलोजान से करेंगे और ये तकदीर की टोपी उसी को पहनाएंगे जो इसका हकदार है। तो फिर सबसे पहले तो ये हक सिर्फ आपका बनता है इस वक्त, क्योंकि आप तकदीर की टोपी के बिल्कुल हकदार हैं। यू आर द डांसिंग स्टार, हम मास्टर्स हैं, तो आप हैं ग्रैंड मास्टर। वादा मास्टर्स के ऊपर बेस्ट डांसिंग टैलेंट ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपने के बाद ग्रैंड मास्टर मिथुन दा ने कंटेस्टेंट्स की हौसला अफजाई भी की, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना हौसले के कोई जंग नहीं जीती जाती। सभी को आपको एक ही बात बताऊं, मेरी जिंदगी में 99.99 कहकर कोई चीज नहीं है। मैं जिंदगी में चीज को मानता नहीं हूं कि देयर इज समथिंग कॉल 99.99। मैं सभी को पूछता हूं कि 1.1% कहां चला गया। कोई कहता है ऊपर वाले पे छोड़ दिया, कोई उस पे छोड़ दिया, किसी पे छोड़ने से कुछ होगा नहीं। ये 0.1 भी आप ही को देना पड़ेगा, और जब पूरे 100% दोगे तभी आप भगवान से या डेस्टिनी से मांग सकते हो कि हमने अपना काम पूरा किया, और हक से तभी मांगो कि आप तुमको देना ही पड़ेगा। और जिंदगी भर में सो कीप दिस थिंग इन माइंड ऑलवेज इन योर लाइफ। तो ये सोच के नहीं बैठना कि कोई गॉडफादर आएगा बनाएगा, खुद ही को मैजिशियन बनना है, खुद ही को गॉडफादर बनना है, खुद ही को स्टार बनना है। मास्टर्स के ऊपर बेस्ट डांसिंग टैलेंट ढूंढने की जिम्मेदारी सौंपने के बाद जाते जाते मिथुन दा ने सभी कंटेस्टेंट्स की हौसला अफजाई कर उनमें आत्मविश्वास भर दिया, और फिर सारा माहौल झूम उठा। और इसी माहौल में एक जोड़ी ऐसी है जिसे खुद से ज्यादा एक दूसरे पर यकीन है। ये हैं दिविना और प्रीतम। She's an amazing dancer. He's a very good dancer. देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, तकदीर का टोपी मिलता है या नहीं। बहुत ही टेंस्ड हूँ, स्पेशली विद रेमो। पता नहीं यहाँ पे बहुत अच्छा डांसर्स लोग हैं तो